बस एक चक्कर याद रखो, कितने चक्कर में वापस जाकर टिकेगा, ठीक है क्या? बोलो बोलो ना, नहीं आ रहा समझ में? ये याद रखनी चीज है। कितने का बना सकते हैं? अब हम बाउंड्री से फ्री हो गए, जैसे टेंथ तक बाउंड्री थी 90 से ऊपर हम नहीं चढ़े, अब हम कहां तक चढ़ सकते हैं? अनंत तक, कहीं भी जाओ। साइन 50,000 की वैल्यू निकालो, निकाल लोगे जी, निकाल सकते हो ना? नहीं निकाल सकते क्या? कितनी बार घुमाना है देख लो, एक चक्कर में 360 चक्कर 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 लगाते जाओ, ठीक है ना? देख लो तुम्हारे चक्कर कंप्लीट हो गए, उसके बाद कितना बच रहा है उसी क्वाड्रेंट पहुंच जाएगा। जैसे 20 चक्कर हो गए, कितने 20 चक्कर हो गए, अभी 30 डिग्री और बच रहे, तो ठीक है 20 चक्कर यहां तक हो जाएंगे पूरे। एक चक्कर दो चक्कर से 20 चक्कर हो गए, 20 डिग्री बच रहा है, 20 चक्कर हो गए अभी भी 120 और बच रहा है, 20 चक्कर हो गए अभी भी 120 डिग्री और बच रहा है, तो 120 में 90 खा जाएगा, तो कितना बचा? 30 70 चक्कर हो गए, कितने अभी भी 190 बच रहे, कितना बच रहा है? 190 डिग्री बच रहा है, तो क्या दिक्कत है? 190 में से 90 खा गया, 90 खा गया, 180 गया, कितना बचा है? 10 स्क्वाड्रेंट वाला। क्लियर है क्या? बोलो क्लियर है? अब ये तो समझ में आया कि ठीक है कोई सा भी डिग्री का एंगल निकाल ले कितना भी हो, लेकिन इसमें ये मसला और होता है सिर्फ प्लस माइनस के रहते हैं, किसके रहते हैं? इसमें तो अभी तक तो हमने सब साइन कॉस टेन सेक कॉस सेक सबके लिए पॉजिटिव पड़ी थी क्योंकि 90 तक था, अभी 90 से ऊपर चढ़ते ही वैल्यू नेगेटिव भी आती है। कैसी होती है? पॉजिटिव नेगेटिव दोनों टाइप की वैल्यू चलती है, तो क्या करें? किसमें पॉजिटिव होता है किसमें नेगेटिव होता है? तो देखो अब मैं समझाता हूं, इसको लिखो ए एड शुगर टू कॉफी, क्या लिखोगे? एड एड शुगर टू कॉफी, कॉफी कॉफी पीने वाली कॉफी, शुगर मिलाओ किसमें? कॉफी में। हाँ भाई मिलाते हैं ना सर, शुगर फ्री ऐसे बच्चे। एड का ए लेना है, शुगर का एस लेना है, और टी लेना है, कॉफी का सी, तो बन जाएगा ए एस टी सी, क्या बन जाएगा? ए एस टी सी, क्या बनेगा बोलो? ए एस टी सी, ए ए फॉर ऑल, ए फॉर ऑल, ए एस एस फॉर, पहले तो ए एस टी सी, ए एस टी सी, ए फॉर ऑल, ऑल का मतलब है साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉस सब पॉजिटिव, सब पॉजिटिव, किसमें? फर्स्ट पार्ट में, जब भी तुमने टेन तक पढ़ा था कि साइन टेन कॉट जो भी वैल्यू सारी कैसी है? पॉजिटिव है, सारी वैल्यू कैसी है? पॉजिटिव, क्लियर है ना? यहाँ पर ऑल पॉजिटिव वैल्यू रहेगी, ऑल पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है ना? एस एस में एस फोर होता है साइन, एस फोर होता है साइन, और साइन का जैसे प्रॉपर कौन होता है? कोसाइन, ठीक है ना? बोलो, तो ये दो कोण रहेंगे पॉजिटिव, बस ये दो कोण, साइन और बोलो साइन और साइन का रेसिप्रोकल कौन है? कोसाइन, ये पॉजिटिव है इसमें सेकंड क्वाड्रेंट में, बाकी सब में कौन बचा? कॉस टेन कॉट साइन, ये तो बचे चार। अब जैसे मैं पूछूं साइन 120 की वैल्यू, तो साइन 120 देखो पहले तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, पर सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है तो ये वैल्यू पॉजिटिव में आएगी, लेकिन मगर ऐसे पूछू कॉस 120 बता पता होगा, तो पहले कॉस 120 कहां जाएगा? सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड में कॉस है तो कॉस का तो वो है ही नहीं, कॉस की खुली पारी नहीं है, खुली पारी किसके पास? साइन और कॉस, तो ये नेगेटिव है, ये वैल्यू नेगेटिव आएगी, जो भी वैल्यू आएगी ना कैसे आएगी? यहाँ पर ये लग गया, और टेन टी फोर टेन टी फोर टेन, टेन में कौन कौन? टेन और टेन का रेसिप्रोकल कौन है? ये पॉजिटिव है बस, ये क्या है? पॉजिटिव, और बाकी सब जैसे मेरे पास सवाल है साइन 200 की वैल्यू कितनी होगी, तो पहले देखो साइन 200 कहां जाएगा, तो 200 जाएगा इसमें, और साइन और है तो साइन की पारी नहीं है,
ये तो भैया किसका एरिया है, टेन और कॉट का, टेन कॉट है तो पॉजिटिव है, बाकी सब ये वैल्यू जो भी आएगी वो नेगेटिव आएगी, ये वैल्यू जो भी आएगी वो क्या आएगी, ठीक है, ये भी ध्यान रखना, ये जो मैं लिख रहा हूँ सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है। और सी सी फोर होता है कॉस, और कॉस का कैसे प्रकरण कौन होता है, साइन, ये पॉजिटिव है इसमें बस, बाकी सर समझाई बात, बोलो पहचानना तुम्हारा, पहले तो ये पहचानो तो कौन देख के कि कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, उसके बाद ये पहचानो तो उस क्वाड्रेंट में इसका कुछ है या नहीं है, कुछ है नहीं मतलब ये पॉजिटिव होता है वहां पर या नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव लिखा दिया मैंने, जो जो पॉजिटिव होगा जैसे मैं कहूं साइन 370, तो पहले देखो 370 जाएगा कहां, फर्स्ट में जाएगा, और फर्स्ट में सब पॉजिटिव, इसकी जो भी वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी, ठीक है ना, क्योंकि फर्स्ट में तो सबकी खुली पारी, कोई भी आओ कोई भी जाओ सब पॉजिटिव है, सेकंड वाले क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव रहेगा, सिर्फ साइन और साइन का रेसिप्रोकल कौन, कॉस है, और थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और टेन का रेसिप्रोकल कॉट और टेन खुद, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और कॉस का रेसिप्रोकल कौन है, साइन, ये पॉजिटिव रहेंगे बाकी सब, ठीक है, बोलो सिस्टम माइन। आप देखो सूत्रों पे चलते हैं, मिटा दो ये चीज है, सूत्र कैसे बनेंगे, अब एक चीज और सुनो ध्यान से, जब से ध्यान से तो सुन रहे, एक चीज और सुनो, ये जो लाइन है ये वाली लाइन, ये दिख रही है तुम्हें, देखो ये और अंदर थोड़ी है, अरे अजान ऐसे बोलेगा, ऐसे बोलेगा दिख तो रही है, अरे अरे ऐसे बोलेगा क्या, तो कैसे बोलेगा, हाँ ये जो खड़ी लाइन है इसको बोलते हैं उर्दू लाइन, इस पे वैल्यू चेंज हो, वर्टिकल लाइन पे वैल्यू चेंज है, वैल्यू चेंज कैसे होगी, साइन कॉस में बदलेगा, कॉस साइन बदलेगा, सर मारोगे क्या यार, क्या क्या बोला पता है, याद रखनी है सब चीजें, क्या करनी है याद रखनी, तो इस पे वैल्यू चेंज होगी, वर्टिकल लाइन पर वैल्यू चेंज होगी, वर्टिकल वर्टिकल नहीं लिख दूं, अंग्रेजी में गलत गलत बन जाए कुछ, उर्दू वर्ड, अरे मैकअप हो गया, आई बता रही है फाउंडेशन, अच्छा देखो तो वर्टिकल लाइन मतलब उर्दू लाइन, उर्दू ठीक है, उर्ध्वाधर ऐसे बोल दूं, उर्ध्वाधर लाइन पर रेखा पर चेंज होता है, चेंजिंग अब सब कैसे चेंज होता है, बहुत इजी है, साइन है तो वो वैल्यू किस में कन्वर्ट हो जाएगी, कॉस में, और कॉस है तो इस लाइन पर, इस लाइन, अब इस लाइन का मतलब भी समझाऊंगा मैं, ये सुनो पहले तो ये उर्ध्वाधर लाइन पर चेंज होगा, ठीक है, साइन कॉस में जाएगा, कॉस साइन साइन और टेन किस में जाएगा, कॉट में, और कॉट किस में जाएगा, और सेक जाएगा कोसेक में, और कोसेक जाएगा कौन सी लाइन पे, अब ऊर्ध्वाधर लाइन की क्या पहचान है, बहुत सीधी है, देखो कैसे पहचान, दो तरीके से पहचान है ऊर्ध्वाधर लाइन, यहां से देखो या तो आएगा इसमें ऊर्ध्वाधर लाइन में, या तो आएगा 90 माइनस थीटा, या आएगा 90 प्लस थीटा, ऊपर देखो इस लाइन वाले का मतलब ये है, या तो जैसे 80 है, क्या है साइन 80 की वैल्यू पूछ रहा है, किसकी वैल्यू पूछ रहा है, साइन 80, तो देखो साइन 80 को कैसे लिखेंगे हम लोग, ऐसे लिखेंगे साइन 90 माइनस 10, ऐसे लिखेंगे, तो 90 आ रहा है माइनस जो भी है वो थीटा होगा, तो 90 माइनस थीटा बन रहा है, बोलो 90 का सारा लिया है, तो 90 का सारा अगर लेंगे हम लोग, चाहे 90 माइनस थीटा करो चाहे 90 प्लस थीटा करो, तो वो ऊर्ध्वाधर लाइन पर, और इस स्थिति में चेंज होने की वैल्यू साइन है तो कॉस लिखना पड़ेगा, और कॉस है तो साइन, टेन है तो कॉट, कॉट है तो साइन है तो कॉस है तो एक तो लाइन, और ये लाइन ये यहाँ पर, तो ये है 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा,
ये क्या है 270 माइनस थीटा या 270 प्लस थीटा, ये कौन सी लाइन की है बोलो? ऊर्ध्वाधर लाइन की बात है, इसलिए आप बात है देख लेते 90 आ रहा कहीं पर, ऊर्ध्वाधर लाइन चेंज करनी पड़ेगी, क्या करनी पड़ेगी? ठीक है ना, बोलो पसंद आ रही है। और दूसरी है कौन सी? क्षैतिज लाइन है, कौन सी है? क्षैतिज लाइन, क्षैतिज लाइन, क्षैतिज रेखा। अब क्षैतिज रेखा पर नो चेंज, क्षैतिज रेखा पर नो चेंज, यहां पर चेंज नहीं होगा, नो चेंज, नो चेंज, इसमें चेंज नहीं करना। कैसे नहीं करना? साइन को साइन ही रहने देना, कॉस को कॉस ही रहने देना, साइन साइन ही रहेगा, कॉस कॉस ही रहेगा, टेन टेन ही रहेगा, कॉट कॉट ही रहेगा, और सेक सेक ही रहेगा, और कॉसेक कॉसेक। कोटा में आते हैं, मैंने तक यही चीज पढ़ाते सब मैथमेटिक्स, चाहे वो कोटा तैयार करने जाते हैं ना, एक महीने तक ये चीज पढ़ाते हैं मैथ, है ना? हाँ, तो नीट पढ़ा। अच्छा ठीक है, और जब क्षैतिज लाइन की पहचान क्या है फिर? क्षैतिज की पहचान क्या है? क्षैतिज की पहचान है सोई भी। ये तो दिख रहा है, इसमें पहचान क्या है? या तो होगा 0 प्लस थीटा, 0 प्लस थीटा, या होगा 360 माइनस थीटा नीचे इस वाली लाइन का। तो इसका दो तरीके है, एक तो है बोलो क्या, एक तो है 0 प्लस थीटा, ठीक है ना, जीरो जीरो प्लस थीटा, या आएगा 360 माइनस थीटा, ठीक है ना, या तो ऐसा है, या सिर्फ उधर आओ, उधर उधर क्या है, या तो आएगा 180 माइनस थीटा, या आएगा 180 प्लस थीटा, है भाई? इस लाइन को उपयोग कब करना है? इधर इधर करना है तो 0 प्लस थीटा करो, या 360 माइनस थीटा करो, इसका उपयोग करना है तो 180 माइनस थीटा करो, 180 प्लस क्लियर है? अब देखो इस लाइन का उपयोग कैसे होगा, 0 प्लस थीटा से, और इस लाइन का नीचे वाली का उपयोग कैसे होगा, 360 माइनस थीटा, इस लाइन का उपयोग इधर से कैसे होगा, 90 माइनस थीटा, और इधर क्या होगा, 90 प्लस, इस लाइन का इधर उपयोग क्या होगा, 180 प्लस थीटा करते इधर आ जाएगा, 180 माइनस थीटा करते इधर चल जाएगा, कुछ भी घटाओ 180 में तो इधर चल जाएगा, 180 कुछ भी जोड़ोगे तो इधर आ जाएगा, 270 में कुछ भी घटाओगे इधर चल जाएगा, और 270 में कुछ भी जोड़ोगे तो ये बाउंड्री है, क्या है, ठीक है ना, बोलो हम, ठीक है आपको भी रहे रोक ना, रोक